भाई ये 100 रुपए की थाली है और देखो, 100 की नहीं भाई, 99 की है। हाँ मतलब 99 की है, 99 की थाली है ये। और अब ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले भाई ट्राई क्या करना चाहिए बताओ भाई, क्या करें पहले? भाई आप नान ट्राई करो, मैं ना सबसे पहले ना क्या ट्राई करता हूँ पता, थाली में सबसे पहले तो मैं रायता ट्राई करता हूँ, तो पहले मैं वही ट्राई करूंगा। हाँ, क्या नमकीन रायता भाई, आहा मजा आ गया भाई। यही यहीं से पता चल जाता भाई थाली के बारे में। रायता मस्त, थाली पूरी ओवरव्यू मस्त। इसमें काली मिर्च वगैरह और जो भी चीज़ें डालते हैं ना रायते में, जैसे मैं भी खुद भी बनाता हूँ रायता घर में, तो अपना क्या नाम है आपका, काला नमक वगैरह हो गया, काली मिर्च वगैरह हो गई, आपका जीरा हो गया भुना हुआ, तो वैसा ही टेस्ट एकदम जो घर में जैसा टेस्ट होता है ना बनाते हैं, वैसा ही टेस्ट आ रहा है एकदम। बाकी अब आप कॉम्बो दिखाओ। ये तो भाई दाल मखनी है, ठीक है, लो रोटी से लो ना यार। नहीं मैं राइस लेता हूँ। अच्छा राइस से, भाई राइस तो फेवरेट है। पुलाव का टेस्ट नॉर्मल है, उसमें इतना कुछ मसाला नहीं है, उसमें बस सामान ज़्यादा डाल रखे भाई, जैसे मटर डाल रखी है, पनीर भी है इसमें, ठीक है। और भाई अब इसकी जो मैं दाल की बात करूँ भाई, दाल भाई क्रीमी है, ठीक है, क्योंकि क्रीम ज़्यादा डाल रखी है, तो भाई थोड़ी क्रीमी लग रही है। मसाले लो डाल रखे हैं, क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा मसाले ना दाल मखनी में भाई वर्थ इट ही नहीं है। वर्थ इट मतलब इन द सेंस कि अप्रूव ही नहीं करता यार वो, कि भाई उसमें ज़्यादा मसाले डाले जाए, क्यों? क्योंकि भाई दाल मखनी सब प्रेफर करते हैं, कोई भी बाहर बंदा, बड़े बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे होते हैं भाई, वो ज़्यादा ना दाल ही प्रेफर करता है, दाल मखनी। भाई अब मैं पनीर जो है ना टेस्ट करूँगा भाई, बेचारे सूख रहे हैं, इन्हीं से ही कर लूँ है ना, इसका भी तो फ्लेवर आना चाहिए ना, पता चलना चाहिए ना कैसे लग रहे हैं। जब ये अभी अभी आए थे ना वीडियो के लिए तो कितने एकदम सॉफ्ट थे भाई। अब हम पनीर टेस्ट करते हैं, अपना शाही पनीर है ये। हाँ भाई ये देखो क्या क्रीमी टेक्सचर है भाई, कलर देखो, कलर लग रहा है एकदम, यही कलर होता भाई। अरे वाह, हल्का मीठा है पर भाई मुझे ना स्वाद बहुत प्यारा लगा। मसालों का जो इसमें बैलेंस है ना, ना ज़्यादा मिर्ची, ना ज़्यादा ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा गरम मसाला, सब बैलेंस में डाल रखे हैं ताकि कोई भी इंसान आराम से इसे खा सके। क्योंकि एक थाली एक ऐसी है कि भाई कोई भी मतलब बड़े बंदे या छोटे बच्चे मतलब खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं। और यार 99 में भाई इतनी थाली यार कोई कहाँ ही मिलेगी भाई, कहाँ मिलेगी? वैष्णो चाप को 100 रुपये हो भाई, यहाँ मिलेगी भाई। मेरे हिसाब से बर्थडे का खाना भाई चाहे प्लेटर खाओ, प्लेटर के लिए भाई 2 बंदे लगेंगे और भाई थाली के लिए एक बंदा लगेगा। थैंक यू भैया, आपने इतना अच्छा खाना सर्व करा। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।